हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सीखेंगे सेंटेंस को स्ट्रक्चर के आधार पर किस तरह से हम कैटेगराइज कर सकते हैं। तो उस चीज़ को हम सीखने से पहले हमें क्लोज और फ्रेज को थोड़ा सा समझना पड़ेगा और थोड़ा सा कंजंक्शन के बारे में भी जानना पड़ेगा, ताकि आप सीख सकें कि किस तरह से हम आसानी से सेंटेंस को स्ट्रक्चर के आधार पर सिंपल, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स पे डिवाइड कर सकते हैं या कैटेगराइज कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्लोज से। हम पहले जानेंगे क्लोज होती क्या है। हम पहले देखते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इंक्लूड्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इससे हम क्या जानते हैं कि वर्ड्स मतलब एक कोई सिंगल वर्ड नहीं होगा, ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड होगा जिसमें एक या एक से अधिक वर्ड्स होंगे। एक सिंगल वर्ड्स नहीं होगा, इसमें एक से अधिक वर्ड होंगे। वो दो हो सकते हैं, चार हो सकते हैं या छः हो सकते हैं। लेकिन एक बात इसमें जानने वाली है क्या, जिसमें इंक्लूड क्या होता है, सब्जेक्ट मतलब जो मेन सब्जेक्ट होता है, और क्या होता है, मेन वर्ब। ये वर्ब के मतलब मेन वर्ब है। क्या है ये, मेन वर्ब है। इसमें क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड डैट इंक्लूड्स अ सब्जेक्ट एंड वर्ब। ये वर्ड्स जो होता है, पूरे ग्रुप का वर्ड्स होता है, ठीक है, मतलब बहुत सारे वर्ड्स मिलके ग्रुप बनाते हैं। और उससे क्या होता है कि क्या बोलते हैं हम, जो बहुत सारे वर्ड मिलके जो ग्रुप बनाते हैं उसका ही हमारा सब्जेक्ट होता है, उसकी हमारी मेन वर्ब होती है। जो मेन वर्ब होती है और सब्जेक्ट होता है, अगर वो किसी ग्रुप ऑफ वर्ड में हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्लोज बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे, हम क्लोज बोलेंगे। अब बारी आई हमारी फ्रेज की। किसकी बारी आई, फ्रेज की। क्लोज और फ्रेज में ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है, इसमें भी आ ग्रुप ऑफ वर्ड ही होते हैं, ठीक है। जैसे हम नीचे देखेंगे, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर यूज टुगेदर। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब वर्ड्स के जो ग्रुप होते हैं, जो यूज किए जाते हैं एक साथ, ठीक है। अब फ्रेज डज नॉट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड वर्ब्स। बस इसमें क्या अंतर होता है, जो क्लोज में होता है और फ्रेज में जो डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस यही होता है कि जो फ्रेज होता है ना, उसमें डजेंट कंटेन एनी सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब, कि फ्रेज में अपनी मेन वर्ब और अपना सब्जेक्ट नहीं होता। नहीं तो दोनों में डिफरेंस तो यही होता है कि भाई एक में मेन वर्ब होती है और एक में मेन वर्ब नहीं होती, एक में सब्जेक्ट होता है और एक मेन में सब्जेक्ट नहीं होता। वो आपने जान लिया होगा और अभी हम नीचे और जानेंगे। लेकिन जो दोनों में सिमिलरिटी होती है, सिमिलरिटी क्या होती है, दोनों में ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं, दोनों में ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अगर आपके ग्रुप ऑफ वर्ड्स ना दिखें तो वो ना ही क्लोज है और ना ही फ्रेज है। तो ध्यान रखना, पहले तो सबसे पहली कंडीशन क्या होगी क्लोज या फ्रेज होने की, कि वो ग्रुप ऑफ वर्ड होने जरूरी हैं। और नीचे हम जानते हैं, इन दोनों को हम देखते हैं क्लोज के बारे में। यदि किसी में सब्जेक्ट है, यदि किसी में सब्जेक्ट है तथा मेन वर्ब भी क्या है, है। यदि किसी में सब्जेक्ट और मेन वर्ब दोनों हैं तो वो क्या है, हमारा क्लोज है, ठीक है। फ्रेज क्या होगा, जिसमें सब्जेक्ट भी नहीं होगा। क्या नहीं होगा, उसमें सब्जेक्ट भी नहीं होगा, ना ही उसमें अपनी मेन वर्ब होगी, तो वो क्या होगा, हमारा फ्रेज होगा। लेकिन आप देखना कि जो क्लोज और फ्रेज होंगे, दोनों में ही ग्रुप ऑफ वर्ड होंगे, मतलब जो वर्ड होंगे वो एक से ज़्यादा होंगे, ठीक है। जैसे हम नीचे देख लेते हैं इसके, हमने एग्जाम्पल सेट कर रखे हैं, ठीक है, क्लोज और फ्रेज के। किसके, क्लोज और फ्रेज के। हम इसमें जान लेते हैं, देख लेते हैं, ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है। आप देख रहे होगे कि पहले तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, एक दो तीन चार पाँच, पाँच इसमें वर्ड हैं, आप देख भी रहे हैं, ठीक है। और इसमें क्या है कि एक तो ये रही हमारी मेन वर्ब, ये रही हमारी क्या, मेन वर्ब, ठीक है। और इसमें ये रहा हमारा सब्जेक्ट, ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। नीचे वाले सेंटेंस में, सेकंड में भी देखेंगे, ही इज प्लेइंग फुटबॉल। इसमें भी हम क्या देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है, मेन वर्ब है, और इसका मेन सब्जेक्ट क्या है, ये रहा हमारा सब्जेक्ट। इस मेन वर्ब का ये रहा सब्जेक्ट, इस मेन वर्ब का ये रहा सब्जेक्ट। आपको पता है यदि किसी एक तो ग्रुप ऑफ वर्ड होना चाहिए और इसमें मेन वर्ब और सब्जेक्ट होना चाहिए, तो ये क्या कहलाएगा, क्लोज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्लोज कहलाएगा। नीचे भी हमारा सब्जेक्ट है और इसमें अपनी मेन वर्ब है और मेन वर्ब का ये रहा सब्जेक्ट, ठीक है, ये मेन वर्ब का सब्जेक्ट ये रहा, तो ये भी क्या कहलाएगा, हमारा क्लोज कहलाएगा। अब बारी आ रही है हमारी फ्रेज की। फ्रेज में भी हम देखेंगे, अब देखिए हमारे यहाँ भी ग्रुप ऑफ वर्ड हैं, ठीक है, एक दो तीन ग्रुप ऑफ वर्ड हैं, लेकिन आप देखिए इसमें कहीं भी मेन वर्ब और इसका सब्जेक्ट नहीं है, कहीं भी यहाँ पे ना तो मेन वर्ब है और ना ही इसमें सब्जेक्ट है। तो देखिए अगर यहाँ पे मेन वर्ब और सब्जेक्ट ना हो तो ये क्या कहलाएगा, फ्रेज कहलाएगा, ठीक है। ग्रुप ऑफ वर्ड तो ये हैं लेकिन इसमें अपना मेन वर्ब और सब्जेक्ट नहीं है। ग्रुप ऑफ वर्ड देखिए नीचे वाला भी देखते हैं, फाइन बीच, इसमें कोई ना ही अपना मेन वर्ब है और ना ही इसमें अपना सब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन दो वर्ड हैं इसमें, ठीक है, तो ये भी क्या कहलाएगा, हमारा फ्रेज कहलाएगा। तो आप क्लोज और फ्रेज में डिफरेंस समझिए होंगे। क्लोज और फ्रेज में छोटा सा डिफरेंस क्या है कि इसमें अपनी मेन वर्ब होती है, इसमें मेन वर्ब नहीं होती है, इसमें अपना सब्जेक्ट होता है, इसमें अपना सब्जेक्ट
नहीं होता है, ठीक है। ये छोटा सा डिफरेंस है, इस डिफरेंस को आप जानेंगे तो आप चीज़ें समझ जाएंगे। लेकिन सबसे पहले एक चीज़, सबसे पहली आपको क्या जाननी है कि इन दोनों में आ ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, मतलब ये कोई एक सिंगल वर्ड नहीं होता, दोनों ही ग्रुप ऑफ वर्ड होने ज़रूरी हैं। मेन वर्ब ऑफ सब्जेक्ट तो हम बाद में देखेंगे, पहले ग्रुप ऑफ वर्ड होने ज़रूरी हैं। अब हमने क्लोजर फ्रेज के बारे में जान लिया, अब हम नीचे देखते हैं कंजंक्शन के। अब हमने देखा कंजंक्शन जो होती है वो दो टाइप की होती है, कंजंक्शन जो होती है वो हमारी कितने टाइप की होती हैं, दो टाइप की होती हैं, ठीक है। अब कंजंक्शन को हम दो टाइप से कैसे जानेंगे, नंबर वन हमारी कौन सी होती है, नंबर वन होती है हमारी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। कौन सी कंजंक्शन, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। दूसरी कौन सी होती है हमारी, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन। दूसरी होती है हमारी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। ये हम आगे देखेंगे कि ये कंजंक्शन क्या क्या काम करती है, लेकिन और कंजंक्शन कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन सी होती है और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन सी होती है। लेकिन पहले आपको सबसे पहले देखना कंजंक्शन हमारे कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। पहली होती है हमारी कोऑर्डिनेट, कौन सी होती है, कोऑर्डिनेट। दूसरी कौन सी होती है, सब ऑर्डिनेट। कौन सी होती है, सब ऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जैसे हम देखते थे, को मतलब क्या होता है, सहायक होती है, मतलब सहायक, मतलब जैसे आपने सुना होगा को वर्कर होता है, कलीग होता है, ठीक है, सब को से चालू होता है। कहाँ से चालू होता है, को से। तो को मतलब जो होते हैं जो बिल्कुल आपके साथ के काम आदमी जो काम कर रहे होते हैं, साथ के मतलब कि जैसे आप हो गए, आपका कोई फ्रेंड हो गया, कलीग हो गया, तो वो एक ही पोस्ट पर होते हैं, एक ही बराबर होते हैं। तो ऐसे ही कोऑर्डिनेट कंजंक्शन भी सेम होती है, ठीक है, मतलब जो इसमें एक आदमी होगा वो दूसरा आदमी होगा, दोनों एक ही बराबर के होंगे, ऐसा नहीं होगा एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, नहीं, दोनों जो आपके क्लोज होंगे वो सेम होंगे, ठीक है। ये चीजें अभी हम नीचे जानेंगे, लेकिन आप अभी कैसे याद रखें, ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। नीचे कौन सा हमारा, सब। क्या होगा सब, सबका मतलब होता है कि भाई एक बड़ा हो गया उससे नीचे छोटे 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 हो गए, ठीक है। जैसे ये तो हमारा हेड हो गया, ये हमारा हेड हो गया, दूसरे वाले जो होंगे वो थोड़े छोटे होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें अभी हम जानेंगे, लेकिन अभी क्या जानना हमें कि कंजंक्शन जो होती है हमारी दो प्रकार की होती है, एक तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, नीचे होती है हमारी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है। पहले हम जानते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के बारे में, किसके बारे में, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के बारे में। एक इसका ट्रिक होती है, क्या होती है, फैन बॉइस, क्या होती है, एफ ए एन, फैन बॉइस, बी ओ वाई एस, क्या होती है, फैन बॉइस। एफ से क्या होता है, फोर होता है, ए से क्या होता है, एंड होता है, एन से नोर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट, एस से सो। एक बार आप मेरे साथ में बोलिए, फिर से बोलेंगे, हमने क्या बोला, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हमारी क्या होती है, ये होती है, इसमें ट्रिक होती है, यही याद रखनी है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, ठीक है। एफ फोर, एफ ए एन, फैन बॉइस, बी ओ वाई एस, क्या बोलना है, फैन बॉइस। एफ से फोर, ए से एंड, एन से नोर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट, एस से सो। ये हमारी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होती है। बाकी जितनी भी कंजंक्शन होती है इनको छोड़ के जो भी कंजंक्शन होगी वो क्या कहलाती है, हमारी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। बाकी और जिन इनको छोड़ के, फैन बॉयज को छोड़ के जितनी भी कंजंक्शन होती है वो हमारी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहलाती है। जैसे हम देखते हैं, इफ, अनलेस, अनटिल, देन, दैट, थ्रू, बिकॉज, एज, बिकॉज, ये दोबारा लिख दिया मैंने, ठीक है, आफ्टर, एज सून एज, वैन, वाई, हाउ, ईटीसी, ठीक है। ये हमारी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होती है। हम यहाँ ये भी देखेंगे जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ये क्लोज कैसे बनाती हैं, मतलब जो हमने देखा है कि सेंटेंस की स्ट्रक्चर कैसे बनाती है, जो हमने बोला है कि सेंटेंस को हम स्ट्रक्चर के आधार पर जानेंगे सेंटेंस तीन प्रकार के कैसे होते हैं। तो हम यहाँ क्या देखेंगे, जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होती है वो हमारा कोऑर्डिनेट क्लोज बनाती है। क्या बनाती है, कोऑर्डिनेट क्लोज। और जो हमारी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होती है ये बनाती है हमारे सबऑर्डिनेट क्लोज। क्या बनाती है, हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज। तो जो हम कोऑर्डिनेट क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज बनती हैं किससे, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से। इससे ही हम जानते हैं कि हमारा टेंथ जो है सिंपल है, कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है, और पेपर में काफ़ी आता है, ठीक है, इसलिए इसे ढंग से जानिया। सबसे पहले हमने क्या बोला है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन को हम कैसे देखते हैं कि वो फैन बॉयज होती हैं। अगर फैन बॉयज हैं, फोर एंड, नोर, बट, और, येट, सो हैं, पहले तो ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होंगी। क्या होंगी, ये हमारी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होंगी, और ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या बनाएंगी, कोऑर्डिनेट क्लोज बनाएंगी, ठीक है। और ऐसे ही अगर इनको छोड़ के जितनी भी कंजंक्शन होती है, इफ, अनलेस, अनटिल, देन, दैट, थ्रू, बिकॉज, एज, आफ्टर, एज सून एज, व्हेन, व्हाई, हाउ, ईटीसी, ये सब कैसे बनाती है, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होती है। और ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कैसे क्लोज बनाती है, सबऑर्डिनेट क्लोज बनाती है। अभी हम नीचे जानेंगे कैसे कैसे इसको हम पहचानेंगे और ध्यानेंगे, मगर आप पहले अभी जान लीजिएगा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में फैन बॉयज होती है और उनको छोड़ के जितनी भी कंजंक्शन होती है वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होती है। जैसे हमने बोला कंजंक्शन का मेन काम होता भी क्या है, पहले तो हम ये देखते हैं, ठीक है। हमने बोला एक मेन वर्ब हमारी ये हो गई,
एक मेन वर्ब हमारी ये हो गई। अब ये जो दो मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब और ये मेन वर्ब, इन दोनों मेन वर्ब को जोड़ने के लिए हमने बोला था अभी जितने भी मेन वर्ब थे उन्हें क्या बोलते हैं, हम क्लोज बोलते हैं। जैसे हमारी एक मेन वर्ब ये हो गई, एक मेन वर्ब ये हो गई, तो ये क्या हो गई, ये होगी हमारी क्लोज वन और ये क्या होगी हमारी क्लोज टू। तो इन दो क्लोजों को जोड़ने के लिए हमें कंजंक्शन की जरूरत पड़ती है। जैसे आपने देखा होगा हमारे समाज में ही, ठीक है, जो शादी होती है, ठीक है, आदमी और औरत की जो शादी होती है उसको कोई बिचौलिया करवाता है, ठीक है, ऐसे ये भी मान लीजिए, ठीक है, ये एक तरह से आदमी औरत है या कोई भी दो अलग, इनकी जो रिश्ता जोड़ता है वो कौन करता है, एक बिचौलिया जोड़ता है, वही काम हमारा कंजंक्शन करता है, ठीक है। जो दो क्लोज होती हैं, दो क्लोज कैसे पता चली हमें, दो मेन वर्ब होंगी तो दो क्लोज होंगी, क्योंकि एक मेन वर्ब तो एक क्लोज और एक मेन वर्ब तो एक क्लोज, अगर ये दो मेन वर्ब है तो दो क्लोज है और इन दो मेन वर्ब को कौन जोड़ेगा, एक कंजंक्शन जोड़ेगा ये वाला, ठीक है। अब हमने यहाँ दूसरा देख लिया, अब यहाँ पे कितनी मेन वर्ब है, एक मेन वर्ब, दो मेन वर्ब, तीन मेन वर्ब, तो पहली मेन वर्ब हमारी क्या होगी क्लोज वन, दूसरी मेन वर्ब क्या होगी क्लोज टू, तीसरी मेन वर्ब क्या होगी क्लोज थ्री। तो अगर हमारी ये दो मेन वर्ब होगी, अब रिश्ते जोड़ने वाले कितने होंगे, दो होंगे, ठीक है, मतलब कंजंक्शन कितनी होंगी, दो होंगी, पहली कंजंक्शन हमारी ये हो गई, दूसरी कंजंक्शन हमारी ये हो गई, मतलब पहली कंजंक्शन जो होगी इन दोनों के रिश्ते जोड़ रही है, मतलब इन दोनों मेन वर्बों को जोड़ रही है, इन दोनों क्लोज को जोड़ रही है, और जो दूसरी मेन वर्ब होगी वो इन दोनों मेन वर्ब को जोड़ रही है, ठीक है। तो इन दोनों मेन वर्ब को ये क्लो, इन दोनों मेन वर्ब को ये कंजंक्शन जोड़ रही है, इन दोनों मेन वर्ब को ये कंजंक्शन जोड़ रही है। दूसरे शब्दों में हम ये भी बोल सकते हैं, इन दोनों क्लोजों को हमारी ये कंजंक्शन जोड़ रही है और इन दोनों क्लोजों को हमारी ये कंजंक्शन जोड़ रही है, ठीक है। आगे हम ये भी देखेंगे कि हम कैसे पता लाएं कौन सी हमारी मेन वर्ब है और कौन सी हमारी अनदर वर्ब है, ठीक है, वो हम नीचे देखेंगे, नीचे सेंटेंस है हमारे, इसमें हम जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी जो सेंटेंस होते हैं हमारे क्या होते हैं, जो सेंटेंस होते हैं वो स्ट्रक्चर के आधार पे तीन प्रकार के डिवाइड होते हैं, जो सेंटेंस होते हैं वो स्ट्रक्चर के आधार पे तीन प्रकार के डिवाइड होते हैं। अब आप ये पूरी तरह से समझ जाएंगे अगर आपको क्लोज पता है आपके फ्रेज क्या होते हैं, ठीक है, और उसके बाद में आपको कंजंक्शन का पता है कि कंजंक्शन कितने प्रकार के, तो उसके बारे में आप जान जाएंगे किस तरह का होता है, ठीक है। पहले हम जानते हैं सेंटेंस जो होते हैं वो स्ट्रक्चर के आधार पर तीन प्रकार से डिवाइड होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कैसे सेंटेंस होते हैं, सिंपल सेंटेंस, नंबर दो क्या होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, नंबर तीन क्या होता है हमारा कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है कि सिंपल सेंटेंस में नो क्लोज होता है, वैसे तो इसमें एक क्लोज होता है, लेकिन हम अगर एक सिंपल क्लोज होता है जिसमें कोई कंजंक्शन नहीं होती है तो हम उसे नो क्लोज बोलते हैं। अगर कोई एक सेंटेंस है और सिंपल सेंटेंस है तो हम उसे क्या बोल देते हैं, नो क्लोज बोल देते हैं, और सेंटेंस को क्या बोलते हैं, हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। आगे आ रही है हमारी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात, किसी इस बात आ रही है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, हमने देखा कि अब सबोर्डिनेट जो कंजंक्शन होती है वो कैसा क्लोज बनाती है, वो बनाती है सबोर्डिनेट क्लोज, जो सबोर्डिनेट कंजंक्शन होती है वो सबोर्डिनेट क्लोज बनाती है, जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होती है वो कोऑर्डिनेट क्लोज बनाती है। तो आप इससे यहाँ क्या जान गए, जो सबोर्डिनेट कंजंक्शन होता है वो सबोर्डिनेट क्लोज बनाता है, और फिर सबोर्डिनेट क्लोज कैसा बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, और क्या होएगा, जो हमारा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा वो हमारा कोऑर्डिनेट क्लोज बनाएगा, और कोऑर्डिनेट क्लोज है हमारे कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। और सिंपल सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें कोई भी हमारी कंजंक्शन नहीं होगी तो हमारा सिंपल सेंटेंस है। अब हम नीचे देखते हैं इसके एग्जाम्पल कुछ सिंपल सेंटेंस। अब यहाँ देखिए आप, ये देखिए हमारे यहाँ पे एक मेन वर्ब है, क्या है, एक हमारी मेन वर्ब है, ये हमारा क्या है सब्जेक्ट है, हम इसे एक वन क्लोज तो बोल सकते हैं कि भाई इसमें एक क्लोज है क्योंकि एक मेन वर्ब है तो एक क्लोज है, लेकिन इसमें कोई कंजंक्शन नहीं है। तो याद रखिएगा जब किसी में कोई भी कंजंक्शन ना हो तो कैसा सेंटेंस होगा हमारा, वो सिंपल सेंटेंस होगा। नीचे भी देखिए, एक हमारी ये रही मेन वर्ब, ठीक है, ये हमारी क्या है मेन वर्ब है, ये हमारा क्या है सब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें भी कोई कंजंक्शन नहीं दिख रही होगी आपकी, तो ये भी क्या है हमारा सिंपल सेंटेंस है। नीचे भी देखिएगा, इसे भी हम मेन वर्ब बोलते हैं, वैसे तो हम इसे लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं, लेकिन ये मेन वर्ब भी होती है, क्या होती है, ये हमारी मेन वर्ब भी होती है, और ये हमारा क्या है, ये भी हमारा क्या है सब्जेक्ट है, ये भी हमारा क्या है सब्जेक्ट है, और इसमें भी आपको कहीं कंजंक्शन नहीं दिख रही होगी तो ये भी क्या है हमारा सिंपल सेंटेंस है। अब हम जानेंगे कंपाउंड सेंटेंस के बारे में, किसके बारे में, कंपाउंड सेंटेंस के बारे में। अभी हमने पढ़ा था कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं, जिसमें हमारी मतलब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगती है, और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हमारा कैसा क्लोज बनाती है, कोऑर्डिनेट क्लोज बनाती है, तो हमारा कंपाउंड सेंटेंस कहलाती है। अब हमारा इसमें देखेंगे कोऑर्डिनेट सेंटेंस में हमने कौन कोऑर्डिनेट कंजंक्शन पढ़ी, और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन सी होती थी, फैन बॉयज, कौन सी पढ़ी थी, फैन बॉयज, एफ फॉर फोर, ए फॉर एंड, एन फॉर नोर, बी फॉर बट, O for or, Y for yet, S for so, F for for, A for and, N for nor, B for but, O for or, Y for yet,
एस फॉर सो। अब देखते हैं हम नीचे कैसे, ये हमारा क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया हमारा मेन वर्ब हो गया, हमने बोला ये मेन वर्ब हो गया और ये क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट हो गया। यहाँ भी देखिए एक हमारी मेन वर्ब ये रही, ये क्या हमारी मेन वर्ब है और ये क्या हमारा सब्जेक्ट है। अभी हमारी मेन वर्ब होगी, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब आपको दिख रहा होगा कि दो मेन वर्ब होगी, कितनी मेन वर्ब होगी, दो मेन वर्ब होगी। और हमने पढ़ा क्या, दो मेन वर्ब को जोड़ने के लिए हमारी किसकी जरूरत पड़ती है, कंजंक्शन की जरूरत पड़ती है। और ये देख रही है आप, यहाँ देख रहे होंगे ये कंजंक्शन होगी, बस आपको ये जानना है कि ये एंड हमारी किस प्रकार की कंजंक्शन है, ठीक है। अगर आपको एंड कंजंक्शन का पता चल गया तो आप बता दोगे किस तरह का हमारा ये सेंटेंस है। तो हमने यहाँ पढ़ा था फैन बॉयज, ठीक है। तो और ए का मतलब क्या होता है, एंड होता है। ए का मतलब क्या होता है हमारा, एंड होता है। तो अगर ए का मतलब आपको पता है, ए का मतलब एंड होता है, तो यहाँ पे ए का मतलब एंड है ही, ठीक है। और ए का मतलब एंड है तो ये हमारी किस तरह की कंजंक्शन होगी, ये होगी हमारी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है। अगर ये हमारी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो ये किस तरह का क्लोज होएगा, कोऑर्डिनेट क्लोज। और आपको ये भी पता अगर ये कोऑर्डिनेट क्लोज है तो किस प्रकार का हमारा सेंटेंस बनेगा पूरा, तो ये हमारा सेंटेंस कैसा बनेगा, कंपाउंड सेंटेंस। ये देखिए हमने ये तो कोऑर्डिनेट क्लोज बोल दी, लेकिन ये जो शुरू में जो क्लोज आ रही है, जो ये मेन वर्ब आ रही है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम मेन क्लोज या फिर प्रिंसिपल क्लोज। ये हम ऐसे पहचानेंगे जहाँ भी हमारी कंजंक्शन आ रही हो, जहाँ भी हमारी कंजंक्शन आ रही हो, ठीक है। अभी तो यहाँ पे हमारी फैन बॉयज में से एंड आ रही है, लेकिन हमारी फैन बॉयज से अलग भी कंजंक्शन हो सकती है, तो उसे जो फैन बॉयज से अलग होगी तो उसे बोलेंगे हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, लेकिन जो फैन बॉयज के अंदर होगी उसे क्या बोलेंगे हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है। और उसके फिर क्लोज को क्या बोलेंगे, जो फैन बॉयज के अंदर होगी कंजंक्शन उसे बोलेंगे कोऑर्डिनेट क्लोज, और जो फैन बॉयज को छोड़ के जो क्लोज होंगे उसे बोलेंगे सबऑर्डिनेट क्लोज। लेकिन उसके अलावा जितनी क्लोज होती है, बेशक वो पहले आ रही हो या पहले वो बाद में आ रही हो, लेकिन वो कंजंक्शन के साथ ना आ रही हो, तो उसे क्या बोलेंगे हम मेन क्लोज या फिर क्या बोलेंगे हम प्रिंसिपल क्लोज। इस चीज़ को हम नीचे भी देखते हैं, देखिएगा आप, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या है, ये रही हमारी मेन वर्ब, क्या है हमारी, ये रही हमारी मेन वर्ब, ये क्या है हमारा, ये हमारा सब्जेक्ट, ये क्या हमारा, ये भी हमारी क्या हो गई मेन वर्ब, और ये भी क्या हो गया हमारा, ये रहा हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। अब हमने देखा दो मेन वर्ब है और इन दो मेन वर्ब को जोड़ने के लिए कंजंक्शन की जरूरत है, और ये रही एक कंजंक्शन, ठीक है। ये हम देख सकते हैं कि ये रही हमारी एक कंजंक्शन, और इस कंजंक्शन को हम क्या बोलेंगे, आपने देखा हमने पढ़ा था फैन बॉयज, ये पढ़ा था हमने फैन बॉयज, और बट में है क्या, हाँ ये रहा, देखो बी से हमने क्या पढ़ा था, बी से पढ़ा था हमने बट, और ये रहा बट, ठीक है। अभी ये बट इसमें है तो इस कंजंक्शन को क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, क्या बोलेंगे हम इसे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। और आपने पढ़ा है अगर ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होती है तो इस पूरे क्लोज को क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट क्लोज। अगर इसे कोऑर्डिनेट क्लोज बोलेंगे तो इस सेंटेंस को क्या बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे हम कंपाउंड सेंटेंस। अब हम ये तो जान लिया, हम अब ये जो ये हमारी जो मेन वर्ब है ये जो आ रही है इसे क्या बोलेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे मेन क्लोज या फिर प्रिंसिपल क्लोज। नीचे भी हम देख लेते हैं, हमने देखा एक मेन वर्ब ये हो गई, अगर ये मेन वर्ब है तो ये क्या हो गया हमारा पहला क्लोज हो गया, ठीक है। दूसरी मेन वर्ब हमारी ये हो गई, अगर ये भी मेन वर्ब है तो ये भी हमारा दूसरा क्लोज हो गया। दो क्लोज को जोड़ने के लिए हमारी क्या होता है, एक कंजंक्शन की जरूरत पड़ती है, और ये रही हमारी कंजंक्शन। और इस कंजंक्शन को देख लेंगे हम, ये कौन सी कंजंक्शन, अभी हमने देखा कि भाई ये जो कंजंक्शन है ये भी फैन बॉयज के अंदर आ रही है, ठीक है। फैन बॉयज के अंदर आ रही है तो क्या हमारी कौन सी कंजंक्शन होगी, ये होगी हमारी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। कौन सी कंजंक्शन हो गई, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। अगर हमारी ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो कैसा क्लोज होएगा, ये होगा हमारा कोऑर्डिनेट क्लोज। और हमने देखा ये हमारा कोऑर्डिनेट क्लोज है तो हमारा सेंटेंस कैसा बनेगा, जैसा हमारा ऊपर बना था, क्या बना था हमारा कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। लेकिन हमारा जो ये होगा ये किस तरह का क्लोज होगा, इसे क्या बोलेंगे हम मेन क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज। तो आप यहाँ से जानेंगे होंगे कि कंपाउंड सेंटेंस किस प्रकार के सेंटेंस होते हैं, ठीक है। नीचे आपको कॉम्प्लेक्स में और आसानी हो जाएगी, जैसे हमने क्या हो रहा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमारे किस प्रकार के सेंटेंस होते हैं, जिसमें हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कैसे क्लोज बनाता है, सबऑर्डिनेट क्लोज बनाता है, उस सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नंबर वन हम देख लेते हैं, इसमें देखते हैं हमारी कितनी मेन वर्ब है, पहले ये होगी एक तो मेन वर्ब,
प्लेइंग, उसके बाद में दूसरी मेन वर्ब यहाँ क्या है, ये भी मेन वर्ब हो गई, मेन वर्ब प्लेइंग। और आपको पता है क्या, अगर दो मेन वर्ब हुई तो एक कंजंक्शन उन दोनों मेन वर्ब को जोड़ने के लिए जरूर, या तो उन दोनों को दो मेन वर्ब बोल लीजिए, दो मेन वर्ब को जोड़ने के लिए एक कंजंक्शन की जरूरत है, या फिर दो क्लोज को जोड़ने के लिए एक कंजंक्शन की जरूरत है। और कंजंक्शन हमारी कौन सी है, वाइल है। कंजंक्शन कौन सी हमारी, वाइल है। अगर वाइल हमारी कंजंक्शन, ये फैन बॉयज में आती है क्या, नहीं। एफ फॉर फोर, ए फॉर एंड, एन फॉर नोर, बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर येट, एस फॉर सो, इसमें तो नहीं आती है। तो हमारी कैसी कंजंक्शन हो जाएंगी, ये हो जाएंगी हमारी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। क्या हो जाएंगी, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। और आपको पता है अगर ये हमारी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो एक किस तरह का क्लोज बनाएंगी, ये बनाएंगी सबऑर्डिनेट क्लोज। ये कैसा क्लोज बनाएंगी, सबऑर्डिनेट क्लोज। और आपको पता है अगर ये सबऑर्डिनेट क्लोज कोई भी बनाती है तो कैसा सेंटेंस होता है हमारा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कैसा सेंटेंस होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और आपको ये भी बताया कि जिसके साथ में हमारी कंजंक्शन नहीं जुड़ी होती, जिस क्लोज के साथ में हमारी कंजंक्शन नहीं जुड़ी होती, उसे क्या बोलते हैं, मेन क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज। क्या बोलते हैं, या तो मेन क्लोज बोलते हैं या बोलते हैं प्रिंसिपल क्लोज। अब नीचे भी देख लीजिए, एक मेन वर्ब हमारी ये हो गई है लाइक, एक मेन वर्ब हमारी ये हो गई है वॉच। और आपको बताया दो मेन वर्ब को जोड़ने के लिए एक कंजंक्शन की जरूरत पड़ती है, या फिर दो क्लोजों को जोड़ने के लिए एक कंजंक्शन की जरूरत पड़ती है। और आपको पता है जो फैन बॉयज में बी आता था उसका मतलब बट होता था, ना कि बिफोर। तो ये भी हमारा क्या है, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन है। कैसा है हमारा, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन है। और आपको पता है अगर ये हमारा सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है तो किस तरह का क्लोज बनता है हमारा, तो हमारा क्लोज बनता है सब ऑर्डिनेट क्लोज बनता है। और अगर हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज बनता है तो किस तरह का सेंटेंस बनता है हमारा, हमारा सेंटेंस बनता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और हमारा पता है जिसके साथ में हमारी कंजंक्शन नहीं होती, दूसरी क्या बोलते हैं, मेन क्लोज या फिर प्रिंसिपल क्लोज। नीचे भी हम देखते हैं यहाँ पे कितनी मेन वर्ब है, एक मेन वर्ब हमारी ये रही और एक मेन वर्ब हमारी। अब हमें पता है ये दो मेन वर्ब होगी तो दो मेन वर्ब को जोड़ने के लिए कंजंक्शन की जरूरत पड़ती है, दो क्लोजों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन की जरूरत पड़ती है। और यहाँ पे कंजंक्शन क्या है, वैन एवर है। और ये जो कंजंक्शन वैन एवर है ये फैन बॉयज में आ रहा नहीं है, ठीक है। तो ये किस तरह का होगा हमारा, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। और अगर हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन बनता है तो किस तरह का क्लोज बनता है हमारा, सबऑर्डिनेट क्लोज, जैसा हमने पहले देखा था। और अगर सबऑर्डिनेट क्लोज बनता है तो हमारा किस तरह का सेंटेंस बनेगा, हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। हमने देखा है ना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में, तो हम पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। और आपको ये भी पता है जिसके साथ में हमारी कंजंक्शन नहीं होती उसे कौन सी क्लोज बोलते हैं, उसे बोलते हैं मेन क्लोज। नीचे भी हम देखते हैं, ठीक है, क्या देखते हैं, ऑल्दो सी वॉज कंसाइडर्ड स्मार्ट, सी फेल्ड ऑल हर एग्जाम। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि यहाँ पे मेन क्लोज देखने, पहले हम देखेंगे भाई एक मेन वर्ब तो हमारी ये रही, एक मेन वर्ब हमारी ये रही। अब हमने देखा यहाँ पे दो मेन वर्ब हो गए, वैसे तो इसमें मेन वर्ब ये नहीं है, ये है, ठीक है, फिर भी हम यहाँ मान लेते चलिए, ठीक है। दो मेन वर्ब हमारी ये हो गई। आपको पता है दो मेन वर्ब को जोड़ने के लिए कंजंक्शन की जरूरत पड़ती है, और कंजंक्शन कहाँ दिख रही है आपको, कंजंक्शन है ये आल दो, ठीक है। तो और हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था, जिसके साथ में कंजंक्शन होती है उसे या तो सबऑर्डिनेट क्लोज बोलते हैं या कोऑर्डिनेट क्लोज बोलते हैं, वो अकॉर्डिंग टू उसके कंजंक्शन के हिसाब से बोलते हैं। और जिसके साथ में कंजंक्शन नहीं होती है उसे क्या बोलते हैं, जिसके साथ में कंजंक्शन नहीं होती उसे बोलते हैं मेन क्लोज। तो इसमें मेन क्लोज ये तो नहीं है, इसमें मेन क्लोज कौन सी है, ये वाली। तो ये कौन सी क्लोज हो गई, मेन क्लोज हो गई। ये कौन सी क्लोज होगी हमारी, मेन क्लोज होगी। तो हमारी ये कौन सी क्लोज होगी, पहले हम देखेंगे ऑल दो हमारी फैन बॉयज में आती है, हमने बोला नहीं फैन बॉयज में नहीं आती, तो हमारी किस तरह की कंजंक्शन हो जाएगी, ये हमारी कंजंक्शन हो जाएगी सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन। और हमें पता है सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन किस तरह का क्लोज बनाती है, ये बनाती है सब ऑर्डिनेट क्लोज। और आपको बताया जो सबऑर्डिनेट क्लोज है वो किस तरह का सेंटेंस बनाती है, सबऑर्डिनेट क्लोज हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाती है। कैसा सेंटेंस बनाती है हमारा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाती है, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा
क्या कि जब भी आप सबॉर्डिनेट क्लोज लिखेंगे और सबॉर्डिनेट क्लोज लिखेंगे और सबॉर्डिनेट क्लोज कभी पहले आ जाए, मेन क्लोज हमारी बाद में आ रही हो और सबॉर्डिनेट क्लोज हमारी पहले आ रही हो, तो ये कोमा लगाना ज़रूरी है। जहाँ भी ये कोमा लगा होगा और सबॉर्डिनेट क्लोज हमारी पहले लिखी होगी, मेन क्लोज हमारी बाद में लिखी होगी, तो बिल्कुल सेंटेंस सही है। यदि ये कोमा नहीं लगा तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। ऊपर भी हम देखते हैं एक बार, ये जो मैं बोलना चाहता था, जब भी हमारा कंपाउंड सेंटेंस होगा तो देखिए ये जो मेन क्लोज होगी शुरुआत में आएगी और सबॉर्डिनेट क्लोज हमारी बाद में आएगी, ये आगे पीछे हो सकती है, ठीक है। लेकिन आप भी देखिएगा जहाँ भी हमारी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगी होगी तो वहाँ पर एक कोमा लगना जरूरी है, बेशक वो बाद में आए बेशक वो पहले आए, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ में ये कोमा लगना जरूरी है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ में ये कोमा लगना जरूरी है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ में ये कोमा लगना जरूरी है, चाहे ये बाद में आए चाहे ये पहले आए। लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ये कोमा जब ही लगेगा जब हमारी सबॉर्डिनेट क्लोज पहले आ रही हो और मेन क्लोज बाद में आ रही हो। होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब हम नीचे इसकी प्रैक्टिस करते हैं। नीचे है हमारा माई ब्रदर केम एंड हैंडेड ओवर मनी टू मी। पहले हम यहाँ देखते हैं यहाँ पे कि कंजंक्शन लग रही है और कितनी मेन क्लोज है, ठीक है, मेन वर्ब है, ठीक है, ये होगी एक मेन वर्ब हमारी ये हो गई, और हमारा जो एक कंजंक्शन लग रहा है ये लग रहा है एंड। एंड का मतलब हमारा कौन सा कंजंक्शन होता है, ये होता है हमारा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। और आपको पता है जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है वो किस तरह का क्लोज बनाता है, ये बनाता हमारा कोऑर्डिनेट क्लोज। और आपको पता है जो कोऑर्डिनेट क्लोज होता है वो किस तरह का सेंटेंस बनाता है, वो बनाता है हमारा कंपाउंड सेंटेंस। कैसा सेंटेंस बनाता है, कंपाउंड सेंटेंस। तो ये हमारा सेंटेंस डिसाइड हो गया कैसा सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। अब हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे, इस चीज़ों को सीखेंगे, ठीक है, क्योंकि आप ये चीज़ सीख सकते हो, ठीक है। बट हमारा क्या होगा, बट हमारा क्या होगा, आपको पता है फैन बॉयज में बट आता है, देख लीजिए फैन बॉयज में लिख देते हैं FAN फैन BOYS और सीख भी लेते हैं F4 A एंड N नोर B बट O और Y येट S सो। बहुत बढ़िया, सही बोले आप, ठीक है। बी से हमारा बट आ रहा है, हमने बोला हाँ बट आ रहा है। अगर बट हमारा आ रहा है तो किस तरह की कंजंक्शन होगी, अब हम सीधा बोलेंगे कौन सी कंजंक्शन है, कंपाउंड सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस। और कंजंक्शन कौन सी है हमारी, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है और कोऑर्डिनेट क्लोज बना रही है। नीचे भी देखते हैं, हमने बोला एक तो मेन वर्ब हमारी ये हो गई, दूसरी मेन वर्ब हमारी ये हो गई। अब दो मेन वर्ब जोड़ने के लिए एक कंजंक्शन आना जरूरी है, और वो कंजंक्शन कहाँ पे है, वो कंजंक्शन ये रहा वैन। और हमने देखा कि भाई ये वैन तो हमारा फैन बॉयज में आता नहीं है, ठीक है, और ये पहले भी आ रहा है और ये कोमा भी लग रहा है इसमें, तो हमारे किस प्रकार का सेंटेंस होगा। पहले तो हमने देखा ये हमारा सबॉर्डिनेट कंजंक्शन है, सबॉर्डिनेट कंजंक्शन हमारा सबॉर्डिनेट क्लोज बनाएगा, और सबॉर्डिनेट क्लोज कैसा सेंटेंस बनाता है, वो बनाता है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कैसा सेंटेंस बनाता है हमारा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नीचे देखते हैं, सी इज इल मेन वर्ब, सी विल नॉट कम, ठीक है। हमने बोला दो मेन वर्ब तो हमारी हो गई, ये एक मेन वर्ब हमारी कम हो गई, एक मेन वर्ब हमारी इज हो गई, ठीक है, इज है हमारी इसमें मेन वर्ब, इसमें क्या है कम मेन वर्ब है। हमने बोला दो मेन वर्ब मतलब दो क्लोज को जोड़ने की कंजंक्शन ही शुरू होती है, कंजंक्शन कौन सा हमारे यहाँ पे, सो है। और आपको होता है फैन बॉयज में सो होता है, फोर एंड नोर बट और येट सो, सो है। और आपको पता है सो अगर कंजंक्शन होता है किस तरह का सेंटेंस होता है हमारा, वो सेंटेंस होता है हमारा कंपाउंड सेंटेंस। नीचे हम देखते हैं, इट इज़ कोल्ड इंडीड बट आई विल गो आउट। आपने देखा यहाँ भी कौन सा कंजंक्शन हमारा, बट है, और बट के बारे में हम फैमिलियर हो चुके हैं कि बट हमारा किस तरह का कंजंक्शन होता है, बट हमारा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हमारा कंपाउंड सेंटेंस बनाता है। नीचे हम और देखते हैं, आई नो द मैन हु वॉज हेयर लास्ट मंथ। यहाँ भी हमारी दो मेन वर्ब है, दो मेन वर्ब आपको दिख रहे होंगे, एक मेन वर्ब हमारी ये रही और एक मेन वर्ब हमारी ये रही, ये दो मेन वर्ब है। अगर आपको इसमें कोई मेन वर्ब में डाउट है तो आगे हम बेसिक सेंटेंस की और स्ट्रक्चर की और मेन वर्बों की सीरीज चालू कर रहे हैं, ठीक है, उसमें आप अच्छी तरह से जान पाएंगे कि कौन सी मेन वर्ब है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब है। मुझे लगता है कई चीज़ों को अभी आपको कई मेन वर्ब जो मैं बोल रहा हूँ वो हेल्पिंग वर्ब भी लग रही होंगी, तो वो आगे आप सीखते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिएगा।
हमने देखा यहाँ पे कितनी मेन वर्ब है, दो मेन वर्ब, एक मेन वर्ब ये, एक मेन वर्ब ये, और इस मेन वर्ब को कितनी कौन कंजंक्शन, कौन सी कंजंक्शन जोड़ रही है, ये हु कंजंक्शन, क्योंकि हमने बोला दो मेन वर्ब को एक कंजंक्शन जोड़ती है, एक मेन वर्ब ये, एक मेन वर्ब ये, कंजंक्शन हमारी हु जोड़ रही है। और आपको पता हु किस प्रकार की कंजंक्शन है, हमने पढ़ा फैन बॉयज में तो ये आती नहीं है, अगर फैन बॉयज में ये नहीं आती तो किस तरह की कंजंक्शन होगी, ये हमारी होगी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन किस तरह का क्लोज बनाती है, सबऑर्डिनेट क्लोज बनाती है। और सबऑर्डिनेट क्लोज किस तरह का सेंटेंस बनाती है, वो बनाती है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नीचे हम और देखते हैं, द बेबी क्राइड फॉर फूड, आपने देखा नीचे कहीं भी मेन क्लोज नहीं है, मतलब मेन क्लोज तो है, ये रही हमारी, ये रहा हमारा मेन वर्ब, ये हमारा सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे कहीं भी कंजंक्शन नहीं है। और हमने सबसे पहले पढ़ा था कि हमारी जो सेंटेंस होता है फॉर्मेट के आधार पे, हमारा स्ट्रक्चर के आधार पे हमारा तीन प्रकार से डिवाइड होता है। हम कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स का तो बहुत देर से पढ़ रहे हैं, ये कौन सा हमारा सिंपल सेंटेंस है, कैसा सेंटेंस है हमारा सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस क्यों कहा हमने इसमें, क्योंकि कोई भी कंजंक्शन नहीं है। नीचे देखते हैं, द सोप लिफ्टर हैड स्टोलन क्लोथ, स्टोलन हमारा क्या हो गया मेन वर्ब हो गया, सो ही रेन वंस ही सॉ द पुलिस, ये भी हमारा क्या हो गया मेन वर्ब हो गया, और ये भी हमारा क्या हो गया मेन वर्ब हो गया। ठीक है, हमने देखा यहाँ पे दो दो मेन वर्ब हो गए, तीन मेन वर्ब हो गए, एक मेन वर्ब, दो मेन वर्ब और तीन मेन वर्ब। वैसे ये जो मेन वर्ब आ रहा है ये इसका पूरा ही स्ट्रक्चर है, तो इसे मेन वर्ब इसके लिए होएगा पर्टिकुलर। ठीक है, ये हम आगे जानेंगे, ठीक है, कैसे हमारे मेन वर्ब जुड़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी पर्टिकुलर मेन वर्ब एक ये है, एक ये, इन दो मेन वर्ब को जोड़ने के लिए कंजंक्शन की जरूरत है, और कौन सी कंजंक्शन होगी हमारी, सो होगी। और आपको पता है फैन बॉयज में सो होती है, और सो किस में आती है हमारी, सो आती है हमारी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में। और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कैसे क्लोज बनाती है, कोऑर्डिनेट क्लोज, और कोऑर्डिनेट क्लोज कैसे सेंटेंस बनाते हैं हमारा कंपाउंड सेंटेंस। नीचे देखते हैं हम, दे स्पोक टू हिम इन स्पेनिश बट ही रिस्पोंड इन इंग्लिश, हमने देखा यहाँ भी मेन वर्ब है, यहाँ मेन वर्ब है, दो मेन वर्ब की, दो मेन वर्ब को जोड़ने के फिर से हमारी कंजंक्शन की जरूरत है। और यहाँ पे कंजंक्शन कौन है, यहाँ पे कंजंक्शन है बट, और बट हमें पता है फैन बॉयज में फॉर एंड नो और बट और येट, सो आप इसके फैमिलियर हो गए होंगे अब। ठीक है, बट क्या है हमारी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कैसे क्लोज बनाती है हमारा, कोऑर्डिनेट क्लोज बनाती है, और कोऑर्डिनेट क्लोज कैसे सेंटेंस बनाते हैं हमारा कंपाउंड सेंटेंस। नीचे देखते हैं, आफ्टर ईटिंग अ लंच एट द चीज़ केस फैक्ट्री सोनू वेंट द जिम टू एक्सरसाइज, आपने देखा होगा कि दो मेन वर्ब हमारी दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, एक मेन वर्ब तो हमारी ये रही, दूसरी मेन वर्ब क्या है, दूसरी मेन वर्ब ये रही ईटिंग। ठीक है, अगर हमारी ये दो मेन वर्ब, एक कंजंक्शन की जरूरत पड़ेगी, और यहाँ कंजंक्शन कौन सी है, यहाँ कंजंक्शन है हमारी आफ्टर। और आपने ये भी देखा आफ्टर हमारी फैन बॉयज में नहीं होती, क्योंकि फोर ए सी क्या होता है एंड, ना कि आफ्टर। ठीक है, तो आफ्टर हमारी फैन बॉयज में नहीं होती है, तो किस तरह की कंजंक्शन होगी, ये होगी हमारी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। अगर ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन तो ये क्लोज कैसा बनेगा, ये बनेगा हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज। हमने देखा था अगर सबऑर्डिनेट क्लोज हमारा शुरुआत में आया था तो बाद में क्या आता है हमारा, ये क्या आता है हमारा मेन क्लोज, कैसा क्लोज आता है हमारा मेन क्लोज। दूसरी बात हम क्या जानेंगे, हमने बोला था अगर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन या सबऑर्डिनेट क्लोज हमारा शुरू में आ जाता है तो उसके बाद में हम कोमा जरूर लगाते हैं, और कोमा के बाद में हम मेन वर्ब यूज़ करते हैं, मेन क्लोज मतलब यूज़ करते हैं। तो हमने बोला ये फैन बॉयज हमारी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज बनाएगा, और अगर सबऑर्डिनेट क्लोज बनाएगा तो किस तरह का सेंटेंस बनेगा हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, किस तरह का हमारा सेंटेंस बनेगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नीचे देखते हैं, वेम्पायर इज माई फेवरेट टीवी शो बट आई ऑल्सो लव स्पाइडरमैन, हमने बोला कि यहाँ भी हमारा मेन वर्ब कौन सा, एक तो ये रहा मेन वर्ब, दूसरा हमारा मेन वर्ब कौन सा हमारा लव मेन वर्ब होगा। अब हमने बोला दो मेन वर्ब को जोड़ने के लिए हमें एक कंजंक्शन की जरूरत पड़ेगी, और कंजंक्शन कौन सी है बट है। और आपको पता बट हमारी फैन बॉयज में आती है तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होगी, और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ में हमने देखा था कि क्या जरूर आना है, कोमा आना जरूरी है। ठीक है, ये हमारा मेन वर्ब हो गया, सॉरी गलत बोल दिया, ये हमारा कंजंक्शन हो गया, और कंजंक्शन के साथ में हमारा कोमा आना जरूरी है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ में। और अगर पता आपको वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो कैसा सेंटेंस क्लोज बनाएंगे, कोऑर्डिनेट क्लोज बनाएंगे। अगर ये कोऑर्डिनेट क्लोज बनाएंगे तो सेंटेंस कैसा बनाएंगे, ये बनाएंगे कंपाउंड सेंटेंस। नीचे देखते हैं, इस हमारी क्या हो गई, ये मेन वर्ब हो गई, इस क्या होगी हमारी, ये मेन वर्ब होगी, कईयों को ये हेल्पिंग वर्ब लग रही होगी लेकिन ये मेन वर्ब है, ये हम आगे जानेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिएगा आप। ठीक है, अगर ये मेन वर्ब है और इसमें कोई भी आपको कंजंक्शन नहीं दिख रही तो आपको ये साफ दिख रहा होगा किस तरह का सेंटेंस है, ये सिंपल सेंटेंस है।
तो हमारे यहीं पे ही हमारी सेंटेंस की सीरीज, ये वाली सीरीज कंप्लीट हुई जिसमें हम स्ट्रक्चर के आधार पे सेंटेंस को जान रहे हैं। यहाँ पे हमने कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड और सिंपल सेंटेंस जाने, और आगे ही आगे हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में और डिस्कस करेंगे, और फंक्शन के आधार पर जानेंगे हम सेंटेंस को कैसे कैटेगराइज करते हैं, पेपर में किस तरह के इसके क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से पेपर में पूछे जाते हैं कि सिंपल है ये, कंपाउंड सेंटेंस है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। हमारे साथ में बने रहिए SSB क्लासेस में, लाइक किए, सब्सक्राइब करिए और शेयर किए ताकि हम आपके साथ में संभावित प्रयास करते रहें। धन्यवाद।